हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक वेल्डर मशीन का वीडियो लेके आए। हमारे पास वेल्डर मशीन में क्या क्या मॉडल है हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, सब ठीक ठाक होंगे। वेल्डर मशीन की ओर जाने से पहले हम बोल देते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं। हम भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे चैनल से कनेक्टिंग हैं और हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और अपने निजी दोस्तों को शेयर भी करते हैं। आप हमारा शेयर चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। आज हम वेल्डर मशीन की ओर जाने से पहले एक बार और अभी आपको बोल देते हैं कि मार्केट में वेल्डर मशीन कैसे आते हैं, क्या क्या माल आता है और वो कैसे यूज होता है, कैसे नहीं यूज होता है। हम आपको छोटा सा सैंपल दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम सैंपल दिखाने से पहले भी आपको बोल देते हैं कि मार्केट में वेल्डर मशीन आते हैं तो ओनली वो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे और बोल देते हैं कि वेल्डर मशीन के साथ में ये आइटम आता है, ये माल आता है, ये ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, सब बताते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है, हम इसके विपरीत काम करते हैं। हमारे पास वीडियो के जरिए हम आपको मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे पास ये आइटम्स है, यही आइटम्स स्टॉक में रहता है। तो ये कहने का अर्थ है कि दोस्तों, हम वेल्डर मशीन वगैरह कोई भी आइटम्स का वीडियो डालते हैं, ओनली वीडियो नहीं डालते, हमारे पास एनी टाइम उसका स्टॉक भी रहता है। हम स्टॉक भी मैनेज साथ में करते हैं और हर किसी भाई को भी ज़रूरतमंद है तो हम उसको आइटम्स भी टाइम पे पहुंचाते हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए एनी टाइम आपकी सर्विस के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, आज हम वेल्डर मशीन की ओर चलने से पहले आपको एक बार और बोल देते हैं कि हमारे चैनल को जिस भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, लाइक भी करना और अपने किसी निजी दोस्तों को शेयर भी करना कि ज़रूरतमंदों को अपने अपने टाइम पे माल मिल जाए। तो दोस्तों, हमारे पास वेल्डर मशीन में क्या क्या ब्रांड है वो भी हमको बताएंगे। हमारे पास वेल्डर मशीन में दो प्रकार के वेल्डर मशीन है, दो ब्रांड है, दो क्वालिटी है। चलते हैं दोस्तों वेल्डर मशीन की ओर। हमारे पास पहला वेल्डर मशीन है क्वाइनली का मैक्रॉन पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन। इसके साथ में क्या क्या आता है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ में एक ही बॉक्स आता है वेल्डिंग मशीन का और ये केबल आता है वेल्डिंग करने के लिए और अच्छा तीन जिग आते हैं। तीन जिग में अलग अलग मॉडल नंबर दिए हुए, इसमें 12P और इसमें 11P, दो मॉडल हुए, ये 11, ये 11PM, चार मॉडल हुए, ये 12PM और 12M, ये छः मॉडल हो गए। दोस्तों, इसके साथ में एक आरओ भी आता है जो हमारे यहाँ पर जो कि अब सोल्डरिंग करने के बाद कुछ ऊपर नीचे से जो वो कार्बन सिपक जाता था उसको हम इस आरओ के द्वारा निकाल सकते हैं। और उसके साथ में कि ये सिल्वर पट्टी आती है जिसको हम बैटरी के ऊपर लगाकर डबल बैटरी को जॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का किसी का पावर कम है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसके बैटरी का पावर कम है तो ऐसे डबल बैटरी को चिपका के, तीन चार बैटरी को चिपका के उसका पावर बढ़ा सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा दे सकते हैं इसके ज़रिए। तो हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं वो भी। तो दोस्तों, हम वेल्डर मशीन को ऑन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बटन है ऑन का, हमने वेल्डर मशीन को ऑन किया है। वेल्डर मशीन को हमने यहाँ से दो नंबर पे दिखाया है, मैनुअल यानी या ऑटोमेटिक। हमने ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसमें हमारे को पावर हमने चार पे रख लिया है। हम यहाँ से पावर केबल को कनेक्ट कर देंगे, एक दोनों पावर केबल को कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, हम अभी एक स्ट्रिप का आपको डेमो देंगे, तो ओनली स्ट्रिप का ही विदाउट बैटरी में डेमो देंगे कि स्ट्रिप के ऊपर वो वेल्ड कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। तो दोस्तों, ये एक स्ट्रिप है, देखो ऐसे। इस वेल्डर मशीन को अपने हाथ को एक साइड की इस लेफ्ट या राइट कोई भी एक को ऐसे नॉर्मल से थोड़ा दबा के रख लो और दूसरा हाथ को अपने हल्का सा ओनली फॉर नॉर्मल हल्का से आप ऐसे वेल्ड हो गया। अपने बैटरी पे रखे आपको ऐसा ही करना है, जैसे कि दो बॉन्ड देख रहे हैं, दो ऐसे ही अपने बैटरी पर वोल्ड हो जाएगा और बैटरी दोनों साइड वेल्ड करके आप बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये वेल्डिंग मशीन क्वाइनली का है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया क्या क्या है। नेक्स्ट वेल्डिंग मशीन हमारे पास है वो है सुंको, ये हमारे पास बैटरीज भी स्टॉक है। नेक्स्ट वेल्डिंग मशीन है वो दोस्तों है सुंको 709A। इसमें वेल्डिंग भी है, यहाँ से भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, यहाँ केबल लगा के भी वेल्डिंग कर सकते हैं, पेडेस्टल सॉकेट भी इसके साथ है और सोल्डरिंग आयरन भी है। सोल्डरिंग आयरन भी हाई क्वालिटी है, नॉर्मल नहीं, हाई क्वालिटी। दोस्तों, यहाँ से इसका पावर प्लग होता है, हम आपको बताएंगे। और ये पावर का है ऑन ऑफ, जैसे कि हमको इसके अंदर पावर देना है तो हम यहाँ से इसको नीचे कर देंगे और पावर नहीं देना है तो ऊपर कर देंगे तो पावर बंद हो जाएगा। आयरन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सोल्डर, इसमें हमारे को टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना कितना कम करना है वो भी हम कर सकते हैं। पेडेसल है इनपुट, वो भी हम आपको लगा के दिखाएंगे कैसा है पेडेसल। इसमें हमारे को
पल्स कितना देना है, तो पल्स 4 पीस 6 पीस 8 पीस जितना भी देना है हमारे को, जितना ज़रूरत है। जैसे हमारे पास जो हमने ये सिप दिखाई है सिल्वर कलर की पत्ती, उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं उसका। तो दोस्तों इसके साथ में क्या क्या आता है, एक मशीन आती है, ये मशीन का बॉक्स है, और इसके साथ में ये पेडेसल भी आता है। तो हम पेडेसल को भी आपसे यहाँ से बोल देंगे, ये पेडेसल को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। और ये केबल आती है, हम यहाँ से भी वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इस केबल के साथ में एक अंदर छोटी सी ये दो देखो, इसके साथ में ये फ्यूज भी आते हैं और एलिंग की भी आती है हमारे को। ये इसके अंदर रखना है दोनों साइड, तो ही हमारे इस केबल में पावर आएगा, नहीं तो केबल में पावर नहीं आएगा। और ये ओनली 2 पीस ही साथ में आते हैं, इसको मिस नहीं करने का है। हमने इसका ये केबल भी कनेक्ट कर दिया है, इसके साथ में फ्यूज आते हैं, एक एलंगी आती है, एलंगी से के द्वारा हम यहाँ पर वेल्डर के दो ये छोटे छोटे एलंगी आते हैं वो भी लगा सकते हैं। और इसके साथ में और ये बैटरी रखने का स्टैंड भी आता है, और ये देखो मोस्ट है छोटी छोटी सिल्वर सीपे बहुत सारी साथ में आती है, बहुत सारी साथ में आती है, इसे हम आपको दिखाएंगे। और ये सोल्डरिंग आयरन का स्टेशन है, ये छोटी छोटी सीपे साथ में आती है, बहुत सारी है हमारे पास इसमें स्टॉक में भी, हमारे पास अलग से भी मिल जाएगी। ये सोल्डरिंग आयरन की है, हम सोल्डरिंग आयरन को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करना है हम आपको बता देंगे। सोल्डरिंग आयरन कनेक्ट कर दिया और यहाँ से थोड़ा बहुत टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमने वेल्डिंग मशीन को बता दिया है, ये पेडेसल है हमारे को, इसमें पावर देना है, तो इसे यहाँ से ऑन करने के बाद में पेडेसल को पुश करना होगा, पुश करेंगे तो ये हमारा वेल्डर होगा, नहीं तो वेल्डर नहीं होगा। सब लोग वीडियो बनाते खाली पेडेसल ही बताते, लेकिन पेडेसल को पुश करना ऐसा कोई नहीं बताता है, पेडेसल को पुश नहीं करेंगे तो यहाँ तक पावर नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम मशीन को ऑन कर देते हैं, हमने मशीन को प्लग किया है, अब हमने मशीन को ऑन कर दिया है। हमारे को सबसे पहले पुश दे दिया हमने 4 का, जैसे कि इसकी ये बैटरी से, ये हमारे पास बैटरीज भी बहुत स्टॉक है, देख लो कितनी बैटरीज है, सब बैटरीज हमारे पास बहुत टाइम में जब भी चाहिए आपको स्टॉक में मिल जाएगी। इसके कौन से साइड में सोल्डर करना है आपको सब हम बता देंगे आपको, आपको एक दो सोल्डर करके भी हम बताएंगे। ये हम बैटरी फुल फिल कर रहे हैं, हमने इसमें बैटरी को फुल फिल कर दिया है। तो दोस्तों ने ऐसे बैटरी को रख दिया है, हम एक पत्ती को लेंगे इसके अंदर से वेल्डर की, हमने एक नई पत्ती को लिया है, हमने इस पत्ती को यहाँ पर रख दिया है, हमने इस पत्ते को यहाँ पे रख दिया है। हमारे को वेल्डर को कितना रखना है मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ से हम पावर को ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने ये पावर बढ़ाया है। हम इस बैटरी को यहाँ से सोल्डर कर रहे हैं, हमारा बैटरी सोल्डरिंग हो गया है, देखो ये देखो बिल्कुल टाइट हो गया, हिल रहा भी नहीं है, एकदम चिपक गया, ये इसके द्वारा किया हमने। अब हम इसको इस वेल्डर के द्वारा भी सोल्डर करेंगे, कैसे करते हैं हम आपको दिखाएंगे। ये देखो हमने सोल्डर किया है, ये डेंजर है, ध्यान रखने का है, पावर कम रखने का है, बिल्कुल ज़्यादा पावर रखोगे तो शॉर्टेज भी हो सकता है, करंट भी लग सकता है। तो हमने आपको बता दिया है जैसे कि इसको कैसे करते हैं, तो ये भी हमने आपको पूरा बता दिया, इससे भी शोल्डर कैसे करते हैं वो भी बता दिया, इसमें पुश कैसे बढ़ाना है कम करना है वो बता दिया, सोल्डरिंग आयरन का हीटर वगैरह कैसे बढ़ाना है वो भी आपको बता दिया, इसमें भी सोल्डरिंग आयरन भी बहुत अच्छे से वर्किंग भी होती है, हमने इसको दे दिया। ये ऐसे ऑलरेडी पुश अंदर बाहर की हो रहा था, उसको पुश करके उसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, सोल्डरिंग आयरन भी अभी हीट हो चुका है। तो दोस्तों इसको यहाँ से पुश करना मत भूलना, पुश नहीं करोगे तो आपका वेल्डर नहीं होगा। हम आपको नेक्स्ट वेल्डिंग भी बता देते हैं, इसको यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये देखो वेल्डिंग रख दिया है, ये पुश हो गया, ये सेकंड वेल्डिंग पुश हो गया, ये थर्ड वेल्डिंग पुश हो गया, ये वेल्डिंग पुश हो गया, हमारा बैटरी ये मजबूत हो चुका है। देखो दोस्तों हम यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर, देखो हमारे सारे वेल्डर ओके हो गए हैं, दोस्तों हमने स्टैंड के अंदर से बैटरी को बाहर निकाला है, आप देख सकते हो बैटरी वेल्डिंग हो चुकी है, एकदम बकायदा वेल्डिंग है। हम आपको इनको खींचेंगे तो भी ये नहीं टूटने वाली, देखो जबरदस्त बहुत जोर लगा के खींच रहे लेकिन टूट नहीं रही है, देखो
ऐसे ही ये वेल्डिंग मशीन है, अपने वेल्डिंग के लिए क्या क्या यूज आता है, सोल्डरिंग आयन भी साथ में यूज कर सकते हैं, उसको पावर एक्स्ट्रा सही, ये देखो सोल्डरिंग आयन का हम पावर ऑन कर सकते हैं, ये ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हमें वेल्डिंग मशीन चाहिए तो वेल्डिंग ऑन कर सकते हैं, सोल्डरिंग सही तो ओनली सोल्डरिंग ऑन सकते हैं, हमको क्या पावर किस हिसाब से देना है हमने आपको सब कुछ बता दिया है। हमारे पास दो मॉडल्स है इसमें और दो क्वालिटीज है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया वेल्डर मशीन के बारे में, वेल्डर मशीन के बारे में क्या क्या मॉडल्स हमारे पास है, क्या क्या मॉडल्स नहीं वो भी हमने आपको बताया है, और उसका क्या यूज़ होता है क्या नहीं यूज़ होता है वो भी आपको हमने बताया, हमारे को जितना आता है उतना आपको हमने डेमो में बता दिया है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करने का है दोस्तों, लाइक भी करने का, अपने निजी दोस्त को जरूरत होगा तो, हमारे पास एनी टाइम माल भी स्टॉक रहता है दोस्तों। इसके साथ में क्या क्या आइटम आते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है, और हमारे पास एनी टाइम नया से नया आइटम अपडेट होता रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम एक बार आइटम लाते हैं और उसको बंद कर देते, नहीं दोस्तों हमारे पास एवरी टाइम नया से नया आइटम अपडेट होता है, हमारे पास मशीनरी आइटम फुल फिल है, हमारे पास सॉफ्टवेयर के डोंगलेस वगैरह सब आइटम्स मिलती है, हम नेक्स्ट वीडियो उनका भी अपलोड करेंगे आपको, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें भी मिलती है, ड्रायर वगैरह सब कुछ मिलता है, वॉशिंग मशीन वगैरह सब मिलता है, हमारे पास क्या क्या ब्रांडेज हैं हम आपको वो भी बताएंगे, और नेक्स्ट टाइम में आपको वीडियो डालेंगे तो भी इससे भी बेटर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, इससे भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो आपको भेजेंगे जिसमें आपको हर आइटम्स कुछ अच्छा लगे मशीनरी आइटम में, ऐसा वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को एडिट तो नहीं करते हैं, हम ओरिजिनल वीडियो को शेयर करते हैं आपको, आप हर कोई भी हमारे को बोलता है कि थंबनेल लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, बहुत ही अच्छा सजेशन दे रहे हैं आप हमारे को, बट हम वीडियो को फिलहाल में तो ओरिजिनल वीडियो डालते हैं कि हम ओरिजिनल काम करते हैं और ओरिजिनल देंगे, हम थंबनेल जरूर लगाएंगे लेकिन वीडियो में कुछ मिलावट नहीं करते, जैसे कि हम माल में मिलावट नहीं करते वीडियो में क्यों मिलावट करें। तो दोस्तों हमारा वीडियो भी ओरिजिनल ही रहेगा और हमारा माल भी ओरिजिनल रहेगा, हम ओरिजिनल काम करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमेशा ओरिजिनल आइटम की उम्मीद रहे, तो हमारे से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, धन्यवाद।